गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज असी बेटा करांगे लैसन थर्ड वर्ण बोध अते वर्णमाला। ठीक है, पहले असी दो लैसन कर चुके हैं, आज असी इहदा करांगे लैसन थर्ड वर्ण बोध अते वर्णमाला। वर्ण किहनूं कहा जांदा है? वर्ण या अक्षर भाषा की मुढ़ली इकाई है, इस करके वर्ण बोध नूं व्याकरण का पहला भाग मन्निया जांदा है। ठीक है, धुनिया जिहड़ी धुनिया जिहड़े भी अक्षर साडे मूँह विच्चों निकलदे ने, साडे मुख तो निकली हुई धुनी जिहड़ी भी धुनिया साडे मूँह विच्चों निकलदियां ने, इहनां नूं लिखती रूप देण लई कुछ चिन्हां की जरूरत पैंदी है, इहनां नूं की कहा जांदा है? वर्ण। ठीक है, जिहड़े साडे मूँह विच्चों शब्द निकलदे ने इहनां नूं लिखती रूप देण वास्ते कुछ जिहड़े चिन्हां की लोड़ पैंदी है उहनां नूं की कहा जांदा है? वर्ण। भाषा नूं लिखती रूप देण लई जिहड़े चिन्ह वरते जांदे ने उहनां नूं वर्ण या अक्षर आखदे हन। ठीक है, जद असीं वर्णां नूं तरतीब वार लिखदे हाँ तां उस नूं वर्णमाला कहिंदे हन। पंजाबी दी वर्णमाला विच अठ वर्ग, पंजाबी दी जिहड़ी वर्णमाला है इस नूं अठ वर्गां विच वंडिया गया है। ठीक है, नैक्सट है वर्ण दी किस्म। वर्ण दीआं किन्नीआं किस्मां हन? दो, स्वर अते व्यंजन। स्वर जिहड़े शब्द किसी होर अक्षर की मदद तो बगैर बोले जान, जिवें उड़ा ऐड़ा ईड़ी। व्यंजन जिहड़े अक्षर किसी होर अक्षर की मदद नाल बोले जा सकते ने उन्हां नूं व्यंजन कहिंदे हन। ठीक है, तो अगे है व्यंजनां दीआं किस्मां। व्यंजन दीआं वी अपनियां दो किस्मां होंदियां ने, अनुनासिक व्यंजन, सधारण व्यंजन। कुछ व्यंजन इहो जिहे हुंदे ने जिहड़े नक ते मूँह दोनों राहीं मिल के बोले जाते हैं, उन्हां नूं अनुनासिक व्यंजन कहिंदे ने, ते जिहड़े शब्द सिर्फ मूँह नाल बोले जाते हैं उन्हां नूं सधारण व्यंजन कहिंदे ने। ठीक है बेटा, तां जिवें हुण कुछ दुत अक्षर हुंदे ने पंजाबी च, जिवें हाड़ा हाहाड़ाड़ा हड़, जजाड़ाड़ा जड़। जड़ दे विच छोटा जिहा नीचे अद्धा हाहा पाया हुंदा, हाहा पाया हुंदा, हाहे टाइप दा छोटा जिहा कट के पाया हुंदा, इह हुंदे दुत अक्षर। की हुंदे? दुत अक्षर। ठीक है बेटा, हुण अज मैं तुहानूं इस लैसन का बुकवर्क सेंड करांगी, तुसीं सब ने अपनी बुक ते कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।